हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब पोर्टल्स में। आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी भर्ती लेके आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन आप दबा दीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपडेटेड रहें। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। ONGC अप्रेंटिस भर्ती 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि 4182 पोस्ट है, लगभग 4000 से ज़्यादा पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और जो ये वैकेंसी निकाली गई है ITI अप्रेंटिस और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर दोस्तों आपने 10वीं पास हैं, आप ITI डिप्लोमा या डिग्री आपने की है, तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया बेस्ड जॉब रहेगी, कहीं से भी इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई फीस नहीं है, तो इस पोस्ट के लिए आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। इस वीडियो में आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए, जिसमें कि आपको मैं सारे डिटेल प्रोवाइड करूँगा, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो आइए चलते हैं, आपको ये दिखा सकता हूँ मैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और नोटिफिकेशन 29 जुलाई 2020 को रिलीज़ हुआ था, और जो इस पोस्ट की लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 27 अगस्त 2020 की है। तो 27 अगस्त 2020 से पहले आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है ये अप्रेंटिस के लिए निकाली गई है, जिसमें ट्रेड और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए है, जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ये पोस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पे सीधे चलते हैं जॉब की डिटेल पे, क्योंकि काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जाएगा अगर हम डिटेल से चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अलग अलग लोकेशन के लिए निकाली गई है वैकेंसी, तो टोटल 4000 से ऊपर ये वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं देहरादून के लिए जो टोटल वैकेंसी है 180 वैकेंसी है, और लगभग 9 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो इस जो जॉब है इसमें लगभग जितने भी ITI ट्रेड होते हैं और या डिप्लोमा ट्रेड है, उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, फिटर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, डीजल मैकेनिक और रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। तो डिटेल से आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो इसका वीडियो लिंक मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पे ये दिल्ली, जोधपुर, यहाँ पे मुंबई, सेंट्रल मुंबई के लिए 478 पोस्ट हैं, गोवा के लिए यहाँ पे 16 पोस्ट हैं, हिजरा के लिए यहाँ पे 162 पोस्ट हैं, और जो उरन के लिए 108 पोस्ट हैं, और जो वेस्टर्न सेंटर है उसके लिए यहाँ पे कॉम्बे के लिए यहाँ पे 132 पोस्ट हैं, वडोदरा के लिए यहाँ पे 168 पोस्ट हैं, अंकलेश्वर ये 463 पोस्ट हैं। यहाँ पे 18 जो ट्रेड हैं उनके लिए यहाँ पे निकाली गई है। अहमदाबाद के लिए यहाँ पे 465 पोस्ट हैं। तो लगभग टोटल ये 4185 पोस्ट से ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, और लगभग ITI के जितने भी ट्रेड हैं या डिप्लोमा होते हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई। तो आप ज़रूर इस पोस्ट के लिए भरिए, और आपको डिटेल चाहिए तो इसका जो नोटिफिकेशन है आपको एक बार ज़रूर पढ़िए, वहाँ पे आपको सारे डिटेल मिल जाएगी। तो इसके बाद हम सीधे जो चलते हैं, इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसमें क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है, तो 18 साल से और 24 साल के बीच का कोई भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन मिलती है एज़ पर गवर्नमेंट रूल, जो रिजर्वेशन के अंडर आता है। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एज रिलैक्सेशन है वो SC ST के लिए 5 साल के लिए है, और OBC जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 3 साल का मिलेगा, यानी कि 27 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो PWD कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन रहेगा, और SC ST के लिए यहाँ पे 15 साल का रहेगा, और 13 साल का OBC नॉन क्रीमी लेयर जो कैंडिडेट है। तो यहाँ पे आप जो बेनिफिट है उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, जो रिजर्वेशन का यहाँ पे बेनिफिट रहेगा। और यहाँ पे आगे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन, यहाँ पे जितने भी ट्रेड हैं, अगर आप अकाउंट्स के लिए कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए, और असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास BA या BCOM कोई भी डिग्री आपके पास हो अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जितनी पोस्ट है सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए ITI ट्रेड होना चाहिए आपके पास स्टेनोग्राफी का, और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपके पास ITI ट्रेड होना चाहिए COPA का। तो जितनी भी पोस्ट हैं ये ट्रेड और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए हैं, तो आपके पास ITI का रिलेवेंट पोस्ट का आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 पोस्ट हैं, जिसमें कि ज़्यादातर ये सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक के लिए यहाँ पे ये ट्रेड टेक्नीशियन अप्रेंटिस है, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और रेस्ट ऑफ जितनी भी पोस्ट है, चाहे वो वेल्डर, सर्वियर, प्लम्बर, मैकेनिस्ट, लेबर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसके लिए आपके पास ITI डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इस ट्रेड का। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी अच्छा ये अपॉर्चुनिटी, काफ़ी अच्छी मौका यहाँ पे है।
यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेपेंड की, जो आपकी सैलरी रहेगी। तो सैलरी क्या है कि टोटल ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट का रेट होता है जो आईटीआई अप्रेंटिस के लिए फिक्स किया गया उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मिलता है, यानी कि इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं हो, जो उनका रेट होगा उस हिसाब से आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी डिस्क्लोज़र यहाँ पे नहीं दिया गया कि कितनी सैलरी आपको मिलेगी। और दूसरा जो सिलेक्शन यहाँ पे रहेगा आपका, सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा। और यहाँ पे इन केस ऑफ सिमिलर नंबर इन मेरिट लिस्ट, अगर आपके मेरिट लिस्ट में दो कैंडिडेट के सेम नंबर आते हैं तो वहाँ पे जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको कंसीडर किया जाएगा, उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। और कुछ यहाँ पे जनरल कंडीशन से उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या रूल्स हैं, उसको आप डिटेल से पढ़िए, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से भरनी पड़े पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद डिटेल से आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो कोई भी डाउट होता वैसे आप जो कमेंट सेक्शन में वीडियो का लिख सकते हैं, वहाँ पे पूरे सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे अप्लाई जो आप करेंगे उसके लिए जो आपका बेसिक स्टेप होगा, अगर आप आईटीआई अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का जो पोर्टल है www.apprenticeshipindia.org, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये आपने आईटीआई किया हो या अभी आप आईटीआई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना काफ़ी ज़रूरी है। चाहे आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे कहीं किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आप अप्लाई करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होना चाहिए आपने इस साल इस कॉलेज से आपने आईटीआई किया है। और वहाँ का जो आपका एक यूनिक नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसको आप किसी भी एप्लीकेशन, आप चाहे ONGC के लिए करें, NTPC के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ ही आपको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस कर रहे हैं तो आपने जो डिप्लोमा किया उसके लिए भी यहाँ पे गवर्नमेंट का पोर्टल है, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन जो नंबर होगा उसमें आपको सारी डिटेल, आपको ट्रेड आपको फिल करनी होगी। तो वो रजिस्ट्रेशन जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका एक नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, तो जहाँ भी जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे बात ONGC की अप्रेंटिस भर्ती के लिए कर रहे हैं, लेकिन किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब किसी भी अदर कंपनी में भी आप करेंगे तो सब जगह आपका ये नंबर आपका होना चाहिए। तो इसके लिए आपके काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपका फर्स्ट स्टेप में आपको प्रायोरिटीज की देनी होगी। तो यहाँ पे आप करते हैं, आपके पास जब वो नंबर आ जाता है तो आप जो ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास ये जो अप्रेंटिस नंबर आपके पास होना चाहिए, ये ज़रूरी है, जिसको आप फिल करेंगे। और उसके बाद आपको जो ONGC apprentice.ONGC.CO.IN पे आपको अप्लाई करना है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा। और आपको कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, उससे आपको जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप अपडेटेड रहेंगे।